विदिशा शहर के मुस्लिम समाज के सभी संगठनों के माध्यम से एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने रामलीला चौराहे के पास स्थित तलैया कब्रिस्तान के नजदीक एक नाले, जिसे कॉलोनाइजर द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से गंदा पानी कब्रिस्तान में जा रहा है और कब्रों की तोहीन हो रही है, इसी बात से नाराज मुस्लिम समाज ने कलेक्टर को लिखित ज्ञापन देते हुए इस मामले में हस्तक्षेप कर नाले को पहले जैसे करने और अवैध कब्जा हटाने की मांग की गई। जिला विदिशा मध्य प्रदेश, विषय तलैया कब्रिस्तान में शहर के गंदे नाले का पानी भराने से कब्रों में गंदगी भरने एवं कब्रिस्तान में अवैध कब्जा करने के संदर्भ। महोदय, सेवा में निवेदन है कि बरसों पुराने मुस्लिम समाज की मैया के शवों को दफनाया जाता है और वर्तमान में दफनाया जा रहा है। इसमें शहर का एक गंदा नाला जो पहले भी था, जो कब्रिस्तान के साइड में निकलता है, आगे कॉलोनी बनने के कारण क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल मजीद। आज ज्ञापन दे रहे हैं आप, क्या मामला? ज्ञापन यही है, कब्रस्तान जो तलैया का कब्रस्तान है, उसके अंदर नाले का, गंदे नाले का पानी मुसलसल बहता चला जा रहा है और हमारा उसमें ये मांग है प्रशासन से भी कि उसको, नाले को पक्का किया जाए, कब्रस्तान की तरफ बाउंड्री वाल उठाई जाए ताकि उसके अंदर पानी ना जाए और इसका प्रशासन खुद जिम्मेदारी लेके नगर पालिका से करवाए या कलेक्टर से, इसके जो वक्त भी जाया थे उसके संरक्षक और मुतवल्ली और कमिश्नर कलेक्टर साहब ही होते हैं पूरे जिले के, जितनी वक्त की प्रॉपर्टी है, इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमारी इस मांग को, इस समस्या को, मुस्लिम समाज की कब्रिस्तान की मूल समस्या है उसको हल कराने के लिए कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं। उम्मीद है कि वो हमारी मांग को पूरा करेंगे और इसकी जांच करवाएंगे, उसका एस्टीमेट बनवा देंगे और अगर नहीं बना तो हम भी बना के पेश कर सकते हैं, जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। इसलिए हम पूरी समाज के साथ यहाँ पे हाजिर हुए, चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी हो। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे। काफी लोगों ने, कॉलोनाइजरों ने पीछे की तरफ भी कई लोगों ने अपने अपने मकान बढ़ा लिए हैं, कब्रों की इतनी बेहरमती हो रही है कि हम जीते जी जिनकी कदर नहीं कर पाए हों, मरने के बाद उन लोगों की कदर हमारा फर्ज है, हम उसको निभाएंगे और आगे भी इसी तरह कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए हम रोड पे आने को तैयार हैं। आज ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या मामला? रामलीला स्थित तलैया कब्रिस्तान है, जहां पर एक बरसों पुराना हमारा कब्रिस्तान है, वहां पर गंदे नाले का पानी खुल गया है, जिससे कि पूरी कब्रों की बेहरमती हो रही है और कब्रों के अंदर शहर का गंदा पानी, गंदा नाला जा रहा है, जिससे बहुत गंदगी हो गई है, काफी बदबू भी आ रही है। उसी के साथ कब्रिस्तान की जो जमीन है उसमें कई तरह से कब्जे हो गए हैं, अगल बगल से जमीनें बढ़ गई हैं, उसकी मांग को भी, इसलिए हम चाहते हैं प्रशासन से नाले को या तो अच्छा की सही किया जाए या उसको बंद करा जाए ताकि हमारे जो मरहूमिन उसका बर में दफन है उनकी बेहरमती ना हो। क्या नाम है आपका? सलीम पटेल, कौमी जिलाध्यक्ष, कौमी तंजीम विदिशा। आज ज्ञापन देने आए हैं, क्या मामला है? ये वह कब्रस्तान, हमारा बरसों पुराना कब्रस्तान है जिसमें हमारे मरहूमिन दफन है, उसमें एक नाला जो बहुत पुराना नाला था, आगे कॉलोनी वालों ने रास्ता बंद कर दिया तो नाला हमारी कब्रों में